नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एमसीडी चुनावों की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, सस्पेंस बरकरार है, हम और आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नेता मंत्री इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो लगातार एमसीडी चुनावों के लिए अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और अब एमसीडी चुनावों की जो माहौल दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है, उसमें एंट्री हो गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरह से जो कूड़े का पहाड़ है वो नजर आ रहा है, गंदगी किस तरह से है। और वहीं से उन्होंने, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो की दिल्ली इकाई है उस पर, बल्कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप पर, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और उन्होंने सीधे तौर पर जो आरोप अब तक दिल्ली सरकार पर लग रहे थे कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया एमसीडी को, वही आरोप उनकी तरफ से केंद्र सरकार पर लगाया गया। और पूछा कि उनकी तरफ से पिछले 15 साल में कितने पैसे दिए गए हैं, कोई नया रुपया नहीं दिया गया है, इस तरह का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे पैसा रे, हाय रे पैसा रे पैसा, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2,00,000 करोड़ रुपए, सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूँ। 15 साल में 2,00,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए, कहां गए सारे पैसे? 2,00,000 करोड़ रुपए कहां गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था, दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था, खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट काट के लोगों ने इनको एमसीडी वालों को पैसा दिया था। अब जीएसटी का पैसा भर रहे हैं लोग, दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, चावल पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी, जीएसटी का पैसा। 2,00,000 करोड़ रुपए खा गए ये लोग सारे के सारे। उस 2,00,000 करोड़ रुपए में से 1,00,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया था, कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? और इनके केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं बड़े बड़े, मैं देख रहा था, दिल्ली में आते हैं, कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। तुमने कितना पैसा दिया 15 साल में? केंद्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया नगर निगम को। पूरे देश में सारे नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने अपील की उन्हें उनकी पार्टी को वोट देने के लिए। और साथ ही ये भी कहा कि 5 साल दे दीजिए, 5 साल में दिल्ली को साफ कर देंगे, और अगर नहीं कर पाए तो वोट मत दीजिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मां बहनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने स्कूल बनवाया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे परिवार के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, शिक्षा का इंतजाम करा, तुम्हारे बेटे को आके ये गालियां देते हैं बर्दाश्त करोगे? मैं दिल्ली के बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, माताओं से पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बेटा बनके, श्रवण कुमार बनके तुम्हारे को तीर्थ यात्रा की यात्रा करा के लाया था मैं, आज ये तुम्हारे बेटे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं दिल्ली की मां बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे? इस बार दिल्ली की सफाई के ऊपर चुनाव होगा, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना है, सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने, और जितने बीजेपी वाले हैं एक एक घर जाना बीजेपी वालों के, उनका दिल जीत के आना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी, दिल्ली के अंदर एक भी बीजेपी वाला नहीं रहेगा, सबका दिल जीतेंगे, हर एक का दिल जीतना है, लड़ाई नहीं करनी, सबसे यही कहना है कि जी इन्होंने कुछ नहीं दिया, 15 साल वोट दे के देख लिया, अपनी पार्टी में रहो, चाहे हम ये नहीं कह रहे बीजेपी छोड़ के आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन एक बार केजरीवाल को मौका दे के देखो, एक बार केजरीवाल को मौका दे के देखो, दिल्ली की सफाई ना करें, 5 साल में हम दिल्ली साफ नहीं करें हमें अगली बार वोट मत देना, 5 साल में दिल्ली साफ नहीं करें हमें वोट मत देना। दिल्ली नगर निगम का चुनाव इस वक्त सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है, और उसमें भी आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि अब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ
सरकार बना चुकी है, विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 2017 का जो एमसीडी का चुनाव हुआ था वो नहीं जीत पाई थी। और उसके बाद ये जो अब 2022 में जो कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में ही नगर निगम का चुनाव होने वाला है, वो चुनाव जीतने के लिए जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, वादे कर रही है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखना होगा कि इन चुनावों में जो नगर निगम के चुनाव हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पूरी मेहनत अब नगर निगम के चुनावों में करते हुए नजर आने वाले हैं। और एंट्री बड़ी ज़ोरदार की उन्होंने गाजीपुर लैंडफिल पर जाकर, और वहीं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी पिछले 15 साल से एमसीडी में शासन कर रही है, एमसीडी उन्हीं के पास है, लेकिन अब इस बार के चुनाव में देखना होगा कि क्या दिल्ली की जनता का मूड परिवर्तन का है, या एक बार फिर से बीजेपी को मैंडेट मिलेगा, या इस बार पलटफेर होगा, कांग्रेस पलटफेर करेगी, ये तो देखना होगा। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नज़र अब पूरी तरीके से दिल्ली नगर निगम के चुनाव पर टिक गई है। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।